हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल उजमान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा, वो भी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर, बिल्कुल सरल तरीके से। बस आपको जो मैं स्टेप करता हूँ वो आपको फॉलो कर लेना है, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 101%। क्योंकि दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। मेरी एक वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बना रखी है, उस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर बहुत ही लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, अगर दूसरा ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर किसी मोबाइल के अंदर ये जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो उसके अंदर जो ऑप्शन है वो ये नहीं आ रहे तो इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब दोस्तों ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो सेटिंग है वो एक ही है। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उस सेटिंग को ओपन या ऑन या ऑफ करके कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन को बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों इस तरह की जो टेक की वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा कि दोस्तों आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो वो आपका इंस्टॉल नहीं होता है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 101% इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका जो ऐप नॉट इंस्टॉल बता रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन की जो आपके सेटिंग है वो ओपन कर लेनी है। दोस्तों सेम स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों सेम स्टेप फॉलो करने से आपका जो ऐप इंस्टॉल है नहीं हो रहा है वो आपका होने लगेगा। दोस्तों आप सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा वो आप फॉलो कर लेना, फॉलो करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्ले स्टोर है वो ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर देना है क्रोम। दोस्तों क्रोम आपको टाइप कर देना है। क्रोम टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट नहीं मांग रहा है, मतलब आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो अपडेट हुआ है पहले से ही, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब भी ये प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि आपको सबसे पहले काम यही करना पड़ेगा कि आपको अपडेट करना है। दोस्तों अब आपने देख लिया कि अपडेट हो है हमारा सॉफ्टवेयर, तो अब आपको बैक आ जाना है। जब आपका एप्लीकेशन अपडेट हो है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जो सेटिंग है वो ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है। दोस्तों ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप में आना है। डिफ़ॉल्ट ऐप में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएगा, और दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन या फिर ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड का ऑप्शन देख सकते हो, ब्राउज ऐप लिखा हुआ है। ब्राउज ऐप के अंदर आपको यहाँ पे विडमेट या इंटरनेट या कुछ भी अगर नज़र आ रहा है तो आपको वो हटाना है और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। दोस्तों इस तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करके आप बैक चले जाना है इसको। अब बैक जाने के बाद यहाँ देख सकते हो क्रोम लिखा हुआ आ गया, मतलब जो आपका ये सेटिंग थी वो यहाँ पे विडमेट में थी और आपकी अब क्रोम में आ गई। तो दोस्तों ये आपको दूसरी सेटिंग कर लेनी है, क्रोम कर लेना है यहाँ पे। अब आपको बैक चले जाना है। अगर दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पाना है तो ये सब आप करके देख लेना, अगर तब भी नहीं हो तब भी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपकी तीसरी जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर ही आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन है, दोस्तों आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन है वो उसको ओपन कर लेना है। सिक्योरिटी का ऑप्शन ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हो अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आपका अगर यहाँ पे बंद है तो आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद अलो पे क्लिक कर देना, ये आपका यहाँ पे चालू हो गया, ब्लू कलर का निशान आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो हर स्टेप है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको दोस्तों सिंपली बैक चले जाना और यहाँ पे क्लोज ऑल पे क्लिक कर देना, और दोस्तों आपको एक बार फ़ोन आपका रीस्टार्ट कर लेना है। दोस्तों आपको फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों
101%। और दोस्तों आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप मुझे एक कमेंट जरूर करना कि मेरे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ है तो एक छोटा सा कमेंट कर देना और छोटा सा लाइक दे देना। दोस्तों अगर आप कमेंट और लाइक करते तो हमें मोटिवेट मिलता है और दोस्तों हम आगे इससे अच्छी अच्छी और वीडियो लाएंगे आपके लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको मैं हर वक्त मिलता रहूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।